सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन, थैंक यू। हेलो सोन अभी करीम, स्वागत है आपका इट्स टेक्निकल में और स्वागत है आपका टेक न्यूज़ के एपिसोड 78 में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ेंगे स्टूडियो में। दोस्तों अगर हम बात करें पहले अपडेट की, दोस्तों अमेजोन की तरफ से खबर आ रही है। दोस्तों बताया जा रहा है कि अमेजोन इंडिया में 2019 में टीवी सेल हुए हैं, तो उसमें से 80% सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट टीवी हैं। और टॉप ब्रांड्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है सैमसंग और शाओमी। वैसे 2019 में अभी अमेजोन इंडिया से कोई भी स्मार्ट टीवी परचेस किया है क्या? अगर परचेस किया है तो शाओमी का किया है या सैमसंग का, टाइप करके नीचे कमेंट में बता ही देना। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे अपडेट की, दोस्तों सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है। दोस्तों बताया जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप ये फोल्डेबल फ़ोन है, आप जानते होंगे ये जेड फ्लिप ऐसे फोल्ड होता है वो तो आप जानते होंगे, वैसे भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसका फोटो। और उसमें बताया जा रहा है कि इसका प्राइस लीक होकर आया है, बताया जा रहा है कि इसका प्राइस है ना $800 से $1300 के बीच में होगा। तो देखेंगे इसका एग्जैक्ट प्राइस कितना होता है। वैसे आप एक्साइटेड है मतलब गैलेक्सी फोल्ड से भी इसका प्राइस ज़्यादा होगा, देखेंगे उसमें इसका एग्जैक्ट प्राइस कितना होता है। वैसे आप इसके लिए भी एक्साइटेड है, काफ़ी कूल सा फ़ोन है, तो देखेंगे ये लॉन्च होने के बाद क्या कमाल धमाल कर रहता है और इसका एग्जैक्ट प्राइस कितना होता है देखेंगे। वैसे आप एक्साइटेड हैं तो नीचे कमेंट्स में बता ही देना। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे अपडेट की, दोस्तों रियलमी की तरफ से खबर आ रही है। दोस्तों रियलमी 5 ये कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था, ये भी आप जानते होंगे, इसके सारे स्पेसिफिकेशन आप जानते होंगे। और उसमें फाइनली आज से ये ओपन सेल पर जा चुका है, रियलमी ई स्टोर पर भी मिलेगा और फ्लिपकार्ट पर भी मिलेगा, आप कभी भी इसको परचेस कर सकते हैं। इस रियलमी 5 आई को 4GB रैम है, 64GB स्टोरेज है, 5000mAh की बिग बैटरी है, ब्रांड है रियलमी का, प्राइस कम ही देता है, 9000 का प्राइस है, प्राइस भी खैर आप जानते होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, फाइनली आज ही ओपन सेल पर जा चुका है रियलमी 5i। अगर आपको ये चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं। वैसे तो आपको ये रियलमी 5i कैसा लगता है नीचे कमेंट में टाइप करके बताइए दो। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे अपडेट की, दोस्तों नॉइस एयरफोन की तरफ से खबर आ रही है। दोस्तों फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं दोस्तों नॉइस शॉर्ट्स XO बोल के एक वायरलेस हेयरफोन है, ये 5500 रुपीस के आते हैं और ये 36 घंटे की बैटरी लाइफ देगी। कमाल की बात है, लगातार आप इसको एंजॉय करेंगे तो 36 घंटे की बैटरी लाइफ दे रही है। और भी इसकी जानकारी आपको जानना है तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर सर्च कीजिए और आपको ये मिल जाएगा, 5500 रुपीस का प्राइस है। और आपको स्क्रीन पर तो दिख रहा होगा आपको ये नॉइस शॉर्ट XO वायरलेस हेयरफोन्स, वैसे आपको इच्छा ही तो आप परचेस कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर अवेलेबल हैं। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे अपडेट की, दोस्तों फेसबुक की तरफ से खबर आ रही है। दोस्तों बताया जा रहा है कि फेसबुक है ना, अब मान लो कि आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को फेसबुक से लॉगिन, अपने फेसबुक अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं तो फेसबुक है ना उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को पकड़ लेगा, मतलब वो बता देगा आपको, एक नोटिफिकेशन भेजेगा, बोलेगा ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, इसमें आप अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन मत कीजिए, अपना फेसबुक अकाउंट हैक भी हो सकता है। इसलिए आप जब भी अपने फ़ोन में कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे अपना फेसबुक अकाउंट, तो फेसबुक है ना आपको एक ईमेल करेगा अपने ईमेल एड्रेस पर, जो भी फेसबुक अकाउंट पर लिंक है ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी पर एक आपको मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन भेजेगा, ऐसा आपको ईमेल करेगा फेसबुक। इसका मतलब है ना सब फेसबुक थोड़ा अच्छा ही काम कर रहा है, फेसबुक भी वैसे ही बहुत ज़्यादा नाम खराब कर लिया, तो देखेंगे ये क्या अच्छा काम करता है फेसबुक। वैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं ऐसा, नीचे कमेंट्स में टाइप करके बताइए दो। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे अपडेट की, दोस्तों शाओमी की तरफ से खबर आ रही है। दोस्तों शाओमी का पोको सीरीज में पोको X2 ये गीक बेंच पर लिस्ट हुआ था, ये तो आप जानते हैं, मैं आपको टेक्निक में बताया था। और तुम बताया जा रहा है कि इसमें प्रोसेसर होगा स्नैपड्रैगन 730G, ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों कुछ लीक्स बता दिए कि स्नैपड्रैगन 730G के साथ में आएगा पोको का X2। पोको का F2 ही आया नहीं तो अभी लीक निकल कर आ रही है पोको के X2 की, तो देखेंगे पहले पोको F2 लॉन्च होता है या पोको X2। वैसे आप किसके लिए एक्साइटेड हैं, F2 या X2 के लिए, नीचे दिए गए कमेंट्स में बता ही देना। तो आज की टेक्निक यहीं पर खत्म होती है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।